लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मोदी जब पढ़कर बोलते हैं तो वाह मोदी जी वाह। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा। बहन जी जब पढ़कर बोलती हैं तो उड़ाते हैं मजाक। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े। अंध भक्तों का ये कैसा दोगलापन। इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के सामने हिंदी में अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी कागज पढ़कर बोलते हैं कि कैसे यूक्रेन युद्ध ने मानवता को नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी को हिंदी में भी पढ़कर बोलने की जरूरत पड़ रही है। पीएम मोदी 1.5 मिनट भी बिना पढ़े नहीं बोल पाए, लेकिन मनु मीडिया के पत्रकार चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि देखिए कैसे पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का रास्ता ढूंढ निकाला। न ही मीडिया के चाटुकार और न ही अंधभक्त पीएम मोदी के कागज पर लिखे भाषण को पढ़कर बोलने पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब बसपा अध्यक्ष मायावती कागज पर लिखे भाषण को पढ़कर बोलती हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। पत्रकार सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मायावती बिना पढ़े एक शब्द नहीं बोल पाती, लेकिन अब जब उनके आका 1.5 मिनट भी बिना पढ़े नहीं बोल सके तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि उनके बारे में एक भी ट्वीट कर सके। बसपा अध्यक्ष की काबिलियत पर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह में अब दही जम गई है। अब कोई नहीं पूछ रहा कि मोदी जी 1.5 मिनट ही तो बोलना था और वो भी हिंदी में, क्या आप इतनी देर भी बिना देखे नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये हिम्मत किसी में नहीं है। बहन जी अपने ज्यादातर भाषण देखकर ही पढ़ती हैं और इसके पीछे ठोस कारण भी है। दरअसल बहन जी के गले का ऑपरेशन हो चुका है और उन्हें डॉक्टरों ने जोर से ना बोलने की सख्त हिदायत दी है, इसीलिए वो देखकर भाषण पढ़ती हैं और पीएम मोदी की तरह भाषण के दौरान हल्ला नहीं मचाती और ना ही नारेबाजी करवाती हैं। बहन जी ने इस बारे में एक बार भाषण के दौरान कहा था, मेरे भाषण के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि बहन जी को बिना पढ़े ही अपना भाषण देना चाहिए तो उसका लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बात सुनकर मेरे कान भी पक गए हैं। इस मामले में उन्हें गले की परेशानी को भी समझना चाहिए। इस संदर्भ में आज आपको बताना चाहती हूं कि 1996 में मेरे गले का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। दो ग्लैंड होते हैं जो शरीर के पूरे तंत्र को ठीक बनाए रखने में खासकर बोलने में काफी मदद करते हैं, लेकिन 1996 में कुछ कमियों की वजह से मेरा एक ग्लैंड पूरी तौर से खराब हो गया था जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन से निकाल दिया। अब एक ग्लैंड बचा है जिस पर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ज्यादा बोलना या ऊंचा बोलना और जोर लगाकर भाषण देना ठीक नहीं है। जब भी मैं डॉक्टरों की सलाह ना मानकर बिना पढ़े और काफी ऊंचा जोर लगाकर बोलती हूँ भाषण देती हूँ तो गले पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर गले की आवाज काफी दिन तक बैठ जाती है। मुझे फिर लगभग 10-12 दिन तक गले को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाइयां खानी पड़ती हैं जिनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यानी बहन जी खुद इस बारे में कई बार बता चुकी हैं, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन के बावजूद मनु मीडिया के दलाल पत्रकार और अंधभक्त उनके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। देखकर या पढ़कर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, इससे एक तो कोई अनावश्यक बात नहीं निकलती और दूसरा भाषण विषय से भी नहीं भटकता। पीएम मोदी भी टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर ही भाषण देते हैं। उनके सामने दो टेलीप्रॉम्प्टर रखे रहते हैं जिस पर उनका पूरा भाषण लिखकर आता रहता है और वो गर्दन को घुमा घुमा कर ऐसे भाषण पढ़ते हैं जैसे वो बिना देखे ही बोल रहे हों और जनता तालियां पीटती रहती है। जादूगर शब्दों का खेल दिखाता है और लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन दलित बहुजन बैकग्राउंड के नेताओं को किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाता रहा है। खासकर मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकार इस बारे में बहुत ही जातिवादी रवैया दिखाते हैं। मनु मीडिया ऐसे मसलों पर बात करे ना करे, लेकिन आपका अपना बहुजन मीडिया इस पर जरूर बोलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।